सुल्तानपुर के मोतीगरपुर शाहपुर लपटा में हुआ हादसा। बारातियों से भरी बस व ट्रक आपस में टकराई। बस में सवार करीब 2 दर्जन लोग हुए घायल। चालक सहित 3 लोगों की हालत नाजुक। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक्सीडेंट हुआ सर, बस और ट्रक। कितने लोग थे लगभग? लगभग 60-70 आदमी थे। ड्राइवर बहुत जख्मी हो गया होगा। अमेठी में कल लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने कमर कसी। कल होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। मतगणना के समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि किसी प्रकार का अगर कोई भी कानून व्यवस्था तोड़ना चाहेगा, अशांति फैलाना चाहेगा, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई तत्काल की जाएगी। रायबरेली में कल लोकसभा चुनाव की होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर। गोला बाजार स्थित ITI कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल हुआ तैनात। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है। आउटर गार्डन, इनर गार्डन और आइसोलेशन गार्डन में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। इनके अलावा तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। अमेठी में आज पहुंच रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कल मतगणना में रहेंगी मौजूद। शाम को मतगणना एजेंट्स के साथ करेंगी बैठक। जीत के लिए तैयारियों में जुटा भाजपाई कुनबा। अमेठी में राहुल गांधी की सीट पर असमंजस की स्थिति। सर्वे में कांग्रेस के लिए ये सीट हुई मुश्किल भरी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा लगी दांव पर। पूरे देश की निगाहें अमेठी के रिजल्ट पर। सुल्तानपुर में कल मतगणना पर लगी सबकी निगाहें। कल मेनका गांधी की किस्मत का होगा फैसला। सर्वे में गठबंधन से सोनू सिंह दे रहे हैं मेनका गांधी को कड़ी टक्कर। बाराबंकी के टिकैत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। अस्पताल में ना तो दवाइयां हैं और ना ही मरीजों का होता है समुचित इलाज। मरीजों की जगह बेड पर आवारा कुत्ते फरमाते हैं आराम। प्रशासन बना मूक दर्शक। सच्चाई वही जो हम बताएं।